विजय दहिया साहब, पूर्व भारतीय क्रिकेटर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय जी, किस तरीके से आज आप बेदी साहब को याद करते हैं? क्या आप सुन पा रहे हैं मेरे को? जी बिल्कुल। थोड़ी देर पहले आपने उनके आंकड़ों के बारे में बात की, थोड़ी देर पहले आपने बताया कि एक भारतीय क्रिकेटर के रूप में आपने उनका इंट्रोडक्शन यहाँ पर किया, लेकिन मेरे लिए कि पर्सनल लॉस है। एक जिंदा दिल शख्सियत, एक ऐसे आदमी जिन्होंने जिसके भी जीवन को छुआ वहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर बदला। मुझे उनके साथ काफ़ी समय व्यतीत करने को मिला और अभी मैं एक टूर्नामेंट के लिए देहरादून आया हूँ। अभी मेरी उनके घर पे बात हुई थोड़ी देर पहले, उनकी बिटिया नेहा से मेरी बात हुई इस बारे में, और बहुत झटका लगा मुझे क्योंकि मैं काफ़ी करीब था उनके। दिल्ली में जब वो वापस आए तो वो टीम के कोच बने थे और मैं कप्तान था, और उस समय क्रिकेट से ज़्यादा इंसानियत के बारे में, क्रिकेट से ज़्यादा एक अच्छा व्यक्तित्व होने के बारे में, क्रिकेट के अलावा जीवन के बारे में जिस तरीके से उनसे वार्तालाप होती थी, एक एक नए दरवाजे खुलते थे जब भी आप उनसे बात करते थे। और जैसे अभी मैंने जिक्र किया कि मैं कुछ 3-1 हफ्ते पहले उनको जाके हॉस्पिटल में मिला था, वो हॉस्पिटल थे, उनके घुटने का ऑपरेशन हुआ था, अपोलो हॉस्पिटल में थे, दवाइयाँ इतनी ज़्यादा सॉलिड थी, लेकिन उसके बाद भी जैसे ही शक्ल देखी एकदम से वो चमक उनकी आंखों में, चेहरे पे, और फिर से बात क्रिकेट की करने लगे। ये समय कुछ इस तरीके का है कि आप उन सब चीज़ों के बारे में जैसे ही पता चलता है ऐसी कोई कुछ हुआ है तो आपकी सोच वापस चली जाती है, पर मेरे लिए विजय जी, जैसे आप उनकी बारे में बता रहे थे, खास तौर से दिल्ली के जो क्रिकेटर्स हैं, और सिर्फ खुद एक महान खिलाड़ी के तौर पर नहीं, एक कोच के तौर पे भी उन्होंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे खिलाड़ियों को निखारा है, उभारा है। कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन आप उनका इस तरीके से देखते हैं क्रिकेट के लिए, दिल्ली के क्रिकेट के लिए और भारत के क्रिकेट के लिए? देखिए, क्रिकेट, मैं तो थोड़ा क्रिकेट से आगे बात करना चाहूँगा। क्रिकेट तो बहुत सारे कोचेज हैं जो क्रिकेट में आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं। एक अच्छे इंसान बनने में एक एक लोगों को जिंदगी क्या है, क्रिकेट से आगे क्या है, उसके बारे में बात करने के लिए जो योगदान उनका रहा है, मुझे लगता है कि वो रिप्लेस नहीं हो सकता है। क्रिकेट एक तरफ है, क्रिकेट की एक एक्सपायरी डेट है, वो खत्म हो जाती है, जीवन ज़्यादा लंबा है, और उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप किस तरीके से लोगों की जिंदगी को छूते हैं, वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मेरे लिए एक ये व्यक्तिगत नुकसान है, मेरा एक अलग कनेक्शन था उनके साथ, काफी लंबे समय तक अगर बात ना हो तो भी जब भी बात करते थे या जब भी मिलते थे तो वो एक अपनापन था उनके साथ। जहां तक क्रिकेट की बात की आपने, वो एक ऐसे दौर में भी खेले जहां पर खेलते वक्त एक अलग चीजें थी, लेकिन जब इस दौर में बात करते हैं तो वो सोच उनकी उस तरीके की थी। किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, तो उसकी वजह से अगर आप देखें तो अपने समय से थोड़ा आगे थे। मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे ही बता सकता हूँ, मैं किसी और की तरफ से तो नहीं बता सकता कि उनका उनसे क्या रिलेशन था, लेकिन मेरे लिए जब मैं उनसे मिला तो मैं इंडियन टीम से ड्रॉप हुआ था और एक आई ओपनर था उनसे बात कर पाना, किस तरीके से वो जिंदगी को देखते थे, जिस तरीके से वो क्रिकेट को देखते थे, और जैसे मैंने पहले आपको कहा कि एक बेबाक शख्सियत, जो भी जिनकी भी जिंदगी को उन्होंने टच किया है वो जरूर, उनको उनकी कमी खलेगी, उनके व्यक्तित्व की कमी खिलेगी, उनकी गाइडेंस की कमी जरूर खलेगी। मैं बस इतना ही कह सकता हूं आपसे। जी, मैं समझ सकता हूं इस वक्त काफी भावुक क्षण है आपके लिए, और बिल्कुल समझ सकते हैं कि आपका किस तरीके का उनके साथ एक संबंध रहा है। हमारी संवेदना आपके साथ भी सर। लेकिन जाने से पहले मैं अगर आपसे पूछूं, जैसे आप बता रहे थे काफ़ी जिंदा दिल इंसान थे, कभी भी बिशन सिंह बेदी जी हिचकिचाते नहीं थे, अगर कोई उनकी ओपिनियन है तो वो किसी को अच्छी लगे बुरी लगे बिल्कुल बेबाक तरीके से अपनी बात को हमेशा रखते थे।
मुझे याद है एक बार उनका पहले मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने उनसे तो पूछा भी था कि जब वो 1990 में एक बार इंडियन टीम का बड़ा खराब परफॉर्मेंस रहा था और वो कोच थे, तब उन्होंने कहा था कि मेरा बस चले तो मैं सारे पूरी की पूरी टीम को समुद्र में डुबो दूं। मतलब बिल्कुल एक इमोशनल क्रिकेटर जो बिल्कुल हमेशा पैशन से खेलते थे, और इस बात का उन्हें कभी शायद उन्होंने सोचा नहीं कि इसका किसको अच्छा या किसको बुरा लग जाएगा। हाँ जी हाँ, बिल्कुल ठीक आप ये कह रहे हैं। इतने पॉलिटिकली करेक्ट नहीं थे कि ये देखें कि सोच समझ के मैं बोलूं। और क्या बात है ना, सिर्फ मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगा कि ऐसी जो बातें लोग वो बंद कमरे में करते थे, उनकी शख्सियत इस तरीके की थी, और वो मुकाम उन्होंने पाया था ना, और किसी और के लिए नहीं, किसी और को प्लीज करने के लिए नहीं बात करते थे या जीते थे, जो मन में आता था वो बात करते थे, इसीलिए खास थे। और जब आप बेबाक बात मुंह पर बोलते हैं तो वो काफी सारे लोगों को कड़वी भी लगती है, लेकिन अगर वो सही नसीहत आपको सही टाइम पे मिल जाए तो आप उसको सबसे अच्छी बात अपनी जिंदगी के बारे में भी मानते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने कहा ना, जो शख्सियत थी, जो जिंदा दिली थी, और सबसे बड़ी चीज ये थी कि जब भी आप उनके आसपास होते थे ना तो कोई डल मोमेंट नहीं हो सकती थी। इतनी कहानियां, इतने किस्से, इतनी क्रिकेट उन्होंने खेली है, और हर तरीके का दौर उन्होंने देखा है, और कोई ऐसी चीज नहीं है जो उन्होंने अपनी पीक पर खेलते हुए ना करी हो। काउंटी क्रिकेट में जिस तरीके के उनके एक्सपीरियंस है, मुझे याद है एक बार 2002 में मैं उनके साथ इंग्लैंड गया था, और हम लोकल क्लब क्रिकेट कृष्ण सिंह बेदी ट्रस्ट की तरफ से एक टीम गई थी इंग्लैंड, और जैसे जैसे वहां पता चलता था कि बिशन सर आए हैं, धीरे धीरे लोग आना शुरू हो जाते थे, उनकी उम्र के लोग। काउंटी क्रिकेट में इस तरीके से रहता है, क्लब क्रिकेट में आप अपनी कुर्सी लाते हैं, बैठते हैं, और थोड़ी देर में आप देखते थे तो 40-50 लोग इकट्ठे हो जाते थे जिन्होंने उनको काउंटी क्रिकेट में खेलते हुए देखा था, और फिर आपको सिर्फ हंसी कहाकियों की आवाज आती थी कि किस तरीके से वो जो पुरानी मूवमेंट्स थे उनको रिलिव करते थे। तो वो उनकी उनकी खास बात थी, और एक जिंदा दिल होस्ट भी। जब तबीयत ठीक थी उनकी तो उनके घर पे जिस तरीके की गैदरिंग्स होती थी, मुझे लगता है कि एक एक ये चीज भी उनकी व्यक्तित्व के बारे में बताता है कि किस तरीके के वो आदमी थे, और जिस तरीके से मैं आपको कह रहा हूँ, हर चीज के लिए जिंदा दिल। बिल्कुल विजय जी, जाहिर सी बात है कि आप भी अब उनके परिवार अब वहाँ मिलने की कोशिश करेंगे, आप जाएंगे जितने जल्दी से जल्दी हो सकता है, लेकिन आप जैसे हमें उनके बारे में किस्से बता रहे थे, तो ऐसा एक कोई किस्सा जो इससे पहले लोगों को आप शायद आपने उनके बारे में शेयर ना किया हो, क्योंकि बिशन सिंह बेदी एक महान शख्सियत थे, आज भी उनको उसी तरीके से हम लोग याद करना चाहेंगे जैसे जिंदा दिल इंसान वो थे। मैं आपको बताता हूं, मेरा हम किसी एक फंक्शन में थे, एक किसी दोस्त की शादी थी, वहां पे गए थे, और पाजी वहां पे थे, तो मेरे फादर उनको पहली बार मिले, और उन्होंने उनको इंट्रोड्यूस किया इस तरीके से कि ये मेरा बेटा है विजय। और मैं सर को पहले भी जानता था, मिला था, तो उन्होंने हंस के कहा, नहीं, ये आपका बेटा नहीं है, आप विजय के फादर हो। अगर आप उस तरीके से देखते हो तो उन्होंने ये कहा कि इनके नाम की वजह से अब आपको जानेंगे, और फिर बहुत जोर से हंसे। और जो जो उनकी उनसे अगर आप मिलते ना, चाहे आप उनसे पहली बार मिलें या कभी मिलें, वो आपसे हाथ नहीं मिलाते, वो आपसे गले मिलते, और वो जो गले मिलते थे ना, उस अपनेपन का जो वो आपको एहसास कराते थे, वो बहुत खास है। और उनके किस्से ऐसे हैं कि टीवी पे शेयर करने वाले कम हैं। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, टीवी पे शेयर करने वाले बहुत कम हैं, जिंदा दिल इंसान थे। एक रिकॉर्ड उनका अभी भी है जो उनका रिकॉर्ड टूटा नहीं है, 60 ओवर्स के जब मैच हुआ करते थे और जब बेदी साहब खेले तो वनडे इंटरनेशनल 60 ओवर्स के हुआ करते थे, मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर का रिकॉर्ड उनका जो है वो भी अभी भी टूटा नहीं है, क्योंकि उसके बाद 60 ओवर वाला कॉन्सेप्ट ही वनडे क्रिकेट से खत्म हो गया। कमाल के बॉलर थे, और अभी जो मॉडर्न क्रिकेट है, चाहे आईपीएल हो या चाहे मॉडर्न क्रिकेटर हो, क्रिकेटर्स काफी सारे हो, मुथैया मुरलीधरन, हरभजन सिंह, सबके लिए उनके पास एक बड़ी सटीक और बड़ी राय जरूर थी उनकी सबके सब इन सब मामलों पे, और खास तौर से क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर भी काफी मुखर थे। जी हाँ, वो सेकंड स्टेप था क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का, जो आपने कहा, उन्होंने दिल्ली का इलेक्शन भी लड़ा डीडीसीए का। लेकिन जहां तक आपने स्पिन के बारे में कहा, और मैं दो चीजें यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जिस समय वो खेले और जिस समय पे वो जो चार स्पिनर्स खेलते थे, और उन चार स्पिनर्स का जो याराना था ना, वो आज भी अगर दिखे तो बहुत कम नजर आता है कि सेम काम करने वाले लोग एक दूसरे को
और ज्यादा बेहतर करने की नसीहत देते थे, एक दूसरे के बारे में बात करते थे। अभी भी जिस तरीके से टच था, कई बार आप बात करते थे तो क्रिकेट खत्म होने के बाद भी एक दूसरे की जिंदगी से अभी भी जुड़े हुए थे। वो सबसे अच्छी चीज। और ग्राउंड से बाहर भी बेहतर होने की कोशिश करते थे। वो कहते थे कि उस समय पे, जैसे आजकल हम कहते हैं ना, मैच खत्म होने के बाद टीम मीटिंग है या कुछ है, वो मीटिंग का जामा नहीं पहनाते थे। आप बैठे रहते थे किसी के भी कमरे में और लगातार बात होती रहती थी और एक दूसरे से आप सीखने की कोशिश करते थे। पर आज तक जब भी मैंने उनको देखा है, किताबें पढ़ते थे, आर्टिकल्स पढ़ते थे, कुछ ना कुछ अभी भी सीखने की कोशिश करते थे। एक चीज वो कहते थे हमेशा कि लाइफ में कोई भी चीज स्टेशनरी नहीं है, या तो आप लाइफ में ऊपर जा रहे हैं या आप नीचे जा रहे हैं, एक तरफ नहीं रुकते हैं। आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। और आपने जिक्र किया कि किस तरीके से बॉलर्स के बारे में कुछ कहने के लिए था उनके पास, स्पिनर्स के लिए, जो काम खुद किया होता है ना, उससे उस उन दायरों को भी नहीं लांघते थे। आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी बैट्समैन को वो सलाह देते हुए नजर आते हो, या किसी फास्ट बॉलर को बोलते हो कि किस तरीके से क्या करना है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब रणजी ट्रॉफी टीम के साथ थे तो बैट्समैन और जो फास्ट बॉलर्स थे उनकी तरफ इस तरीके से वो बात नहीं करते थे कि मुझे सब पता है, लेकिन स्पिनर्स के लिए वो ज्ञान की खान थे। और कहीं का भी स्पिनर हो, अगर हम मैच खेलने जाते थे और अपोजिशन टीम का भी अगर उन्हें कोई गेंदबाज अच्छा लगता था, तो उनके लिए भी उनके पास पूरा टाइम था। और आप देखिए, जब उनकी सेहत ठीक थी और जब वो थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर सकते थे, तो जब भी कोई ओवरसीज टीम इंडिया खेलने आती थी, वो हमेशा उनके नेट्स में गेंदबाजी करते हुए नजर आते थे। तो जो चीज उनके पास थी, वो हमेशा ये कहते थे कि चीज बांटने से बढ़ती है। ये उनका मानना था, ये उनकी फिलॉसफी थी। और जैसे भी मैंने कमाल कहा की कि आप